खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले और विवादों के बादशाह एक्टर कमाल खान सोशल मीडिया के जरिए कभी बॉलीवुड पर तो कभी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। एक्टर की ये आदत अब उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि अपनी इन हरकतों की वजह से कमाल खान मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल कमाल खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमाल खान की ये गिरफ्तारी एक विवादित ट्वीट को लेकर की गई है, जिसे लेकर कमाल खान को बोरीवली कोर्ट में पेश भी होना है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कमाल खान ने ये विवादित ट्वीट अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन को लेकर साल 2020 में किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कोरोना तब तक नहीं जाएगा जब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं ले जाता। तब मैंने नाम नहीं लिखे थे क्योंकि लोग मुझे गालियाँ देते, लेकिन मैं पहले से जानता था कि ऋषि और इरफान जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि अगला नंबर किसका आने वाला है। यही नहीं, जब ऋषि कपूर रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब केआरके ने एक और पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, ऋषि कपूर को एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर ठीक होकर जल्दी वापस आना, निकल मत लेना, क्योंकि दारू की दुकान सिर्फ 2-3 दिन में खुलने ही वाली है। इस असंवेदनशील ट्वीट को लेकर केआरके के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। आज 2 साल बाद केआरके जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस मामले को लेकर आज यानी कि 30 अगस्त को बोरीवली कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बता दें कि केआरके अपने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। वो ट्विटर पर अक्सर सेलेब्स पर निशाना साधते हुए विवादित पोस्ट करते हैं। अपने इस पोस्ट की वजह से कई बार सेलेब्स के साथ उनका पंगा भी हो जाता है। एक बार उन्होंने सिंगर मिका पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा था, जिसके बाद मिका ने भी केआरके को करारा जवाब देते हुए उन्हें कुत्ता कहते हुए एक गाना ही बना दिया था और गाने के जरिए केआरके की खूब बेइज्जती की थी। इतनी खिंचाई के बाद भी केआरके नहीं सुधरे। उसके बाद उन्होंने तीनों खान को अपने निशाने पर लेते हुए उन्हें बूढ़ा तक बता दिया और कहा कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की फिल्में फ्यूचर में भी फ्लॉप होंगी। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, सभी खान एक्टर को ये समझ जाना चाहिए कि भारत में इनकी फिल्में नहीं चलेंगी, क्योंकि ये तीनों खान अब बूढ़े और घमंडी हो चुके हैं। इन्हें अच्छी और बुरी स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि 47 साल के केआरके देशद्रोही फिल्म में काम करके फेमस हुए थे। उसके बाद वो बिग बॉस में भी नजर आए। फिलहाल इस बवाली एक्टर को पुलिस आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।